हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एसएसटी न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 एंड ओबीडिएंट डिसिप्लिन। देखिए अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि जिस तरीके से स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर का कहना मानते हैं, उसी तरीके से बहुत समय पहले की बात है, अर्ली डेज की बात है, स्टूडेंट क्या होता था, टीचर से पढ़ने जाते थे। कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। उस स्कूल जैसे आज हम जाते हैं स्कूल, इसका नाम हम स्कूल कहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में उन स्कूलों को क्या बोलते थे? गुरुकुल बोला जाता था। तो उसके बारे में ही एक बॉय की और गुरुकुल के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक गुरुजी बैठे हैं, काफ़ी सारे उनके बच्चे मतलब शिष्य बैठे हैं, इनको शिष्य बोला जाता है, वो थे। इसी तरीके देखिए स्टोरी देखते हैं हम क्या है। आरुनी क्या था? आरुनी बहुत मतलब सारे स्टूडेंटों में, एक आरुनी नाम का बच्चा था, सारे स्टूडेंटों में बहुत अच्छा था और बहुत होशियार भी था। वो हमेशा रेस्पेक्ट करता था, गुरु का कहना मानता था और उसके गुरु भी उसे बहुत प्यार करते थे। और कहते हैं ना, जब हम किसी की बात मानते हैं और हमेशा उनको ओबे करते हैं तो क्या होता है कि रेस्पेक्ट देते हैं हम सामने वाले को, तो सामने वाला भी हमें रेस्पेक्ट देता है और हमसे प्यार करता है। तो इसी तरीके से उसके साथ में भी होता था। हर कोई आश्रम में आरुनी को क्या है, वो पसंद करता था। क्यों? क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और बहुत ही प्यार से बात करता था वो। और हर तरफ आश्रम के हर तरफ फार्म था, जहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो हेल्प करते थे एक दूसरे की। तो जो फील्ड थी, एक दिन क्या हुआ था, फील्ड वर वाटर्ड बाय अ नियर बाय स्ट्रीम। तो फील्ड में एक दिन क्या हुआ, अचानक से वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा अपने खाने पीने के लिए, गुरुकुल में ऐसे ही होता था, बच्चे खुद काम करते थे तो सब खाने पीने का इंतज़ाम करा था, उन्होंने फसल उगा रखी थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक से रेन आ गई बहुत तेज़। तो जो स्ट्रीम जो थी ना, जो उन्होंने पौधे लगाए थे, वो क्या हुआ, क्रॉप वो सारा टूट टूट के जा रहा था पानी की वजह से। एट वन प्लेस टू द वॉल ऑफ स्ट्रैम क्रैक, एक जगह क्या था, इन्होंने ऐसे तरीके से एक बाउंड्री सी बना देते थे जिससे हमारी जो क्यारियाँ हैं वो ख़राब ना हो, क्यारी मेड़ सी बना देते थे, क्यारी सी बना देते। तो क्या हुआ, बारिश तेज़ थी और जो उस वजह से वो बीच में से क्रैक हो गई और धीरे धीरे वाटर फ्लो में फील्ड में जा रहा था बहुत ही तेज़ी से, फोर्स से, तो जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता, ख़राब कर देता। तो गुरु ने बोला कि कोई एक स्टूडेंट जाओ, उस गैप को फिल करके आओ। आरुनी ने सुन लिया, आरुनी ने उनकी आज्ञा मानी, वॉलंटियर की तरह वो गया और उसने क्या किया, काफ़ी कोशिश की उसको फिल करने की, भरने की उस फील्ड में जो उसने हो रहा था होल, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसको अनफॉर्चुनेटली उसको क्या हुआ, एकदम से उसने बहुत फोर्स के कारण पानी अंदर जा ही जा रहा था, बहुत मानी मतलब बहुत कोशिश करी उसने रोकने के लिए, वो रुक ही नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि सडनली आइडिया आया अरुणी को कि वो खुद उसके ऊपर क्रैक की जो जगह थी ना, वो वहाँ लेट गया। फिर एकदम से क्या हुआ कि वो जो फ्लो था वो रुक गया। तो आश्रम में जो गुरु थे वो चिंता कर रहे थे क्योंकि पूरा दिन बीत गया था। बोले, अरे अरुणी अभी तक लौट के नहीं आया है, रात होने वाली है, पूरी शाम हो गई है, देखते हैं। जब गुरुजी ने देखा फील्ड में जाकर, तो उन्होंने क्या देखा कि कितनी स्ट्रगल कर रहा है वो अपने फील्ड को बचाने के लिए, और गुरुजी ने उसे इतना ज़्यादा ब्लेस किया और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बात बोली और वो इतने अभिभूत हो गए उसकी तरफ से, बोले कि तुम गुड स्टूडेंट हो और बहुत ओबीडेंट भी हो तुम हमारे, और बहुत प्यारे भी हो। तो इसी तरीके से बच्चों इस स्टोरी में यही है कि इसी तरीके से आप इसका अगर हम मॉरल बोलें तो क्या बोला जाएगा कि उन्होंने देखो कि उन्होंने गुरुजी की बात मानी, उसे कुछ नहीं समझ आया तो वो खुद ही लेट गया। उसने मतलब अपनी जो अनाज था उसकी रक्षा करी, क्रॉप की उसने रक्षा करी और अपने गुरु का भी मान रखा। ओके, थैंक यू।